ये बताओ कि कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? जी पिंजरे में बंद पक्षी। अरे कमीनो, पढ़ाई शुरू कर दो, पेपर आने वाले हैं। मैडम जी मैं खूब पढ़िया करूं हूं, चाहे कुछ भी पूछ लो। अच्छा फिर ये बताओ कि ताजमहल किसने बनवाया? जी मिस्त्री ने। अरे गधे, मेरा मतलब है किसने बनवाया? जी ठेकेदार ने बनवाया होगा। ओहो, क्या करूं मैं इनका। बच्चों देश में साफ सफाई रहनी चाहिए। अच्छा ये बताओ कि लैट्रिन किस किस के घर बनी हुई है? जिसके घर बनी है वो हाथ खड़ा करो। अरे झंडू, तूने हाथ क्यों नहीं उठाया? मैडम जी मारे तो दाल बन रही है। हैं? अच्छा घुंगरू, अब तुम बताओ कि सेमेस्टर एग्जाम सिस्टम के क्या क्या फायदे हैं? मैडम जी फायदा का तो बेरा कोना। अच्छा बाकी साल में दो बार बेइज्जती जरूर हो जासे। ये बताओ कि दो में से दो गए कितने बचे? समझ में को नहीं आया मैडम जी। समझो तुम्हारे पास दो रोटी हैं, तुमने वो दो रोटी खा ली, बताओ तुम्हारे पास क्या बचा? जी सब्जी। तुम तो नालायक के नालायक ही हो, बैठ जाओ। बच्चों आज मैं तुम्हें जंगली जानवरों के बारे में पढ़ाती हूँ। पढ़ाओ जी। बच्चों जंगल में अलग अलग तरह के जीव जंतु होते हैं। कुछ जानवर अंडे दिया करते हैं और कुछ जानवर बच्चे देते हैं। हाँ तो झंडू, तुम बताओ कि शेर अंडे देता है या बच्चे? अरे झंडू, इस मैडम ने यो के पूछ लिया, मने तो इसका उत्तर को नहीं बेरा। इब के करूं झंडू, उत्तर तो इसका तने देना पड़ेगा, ना तो बेइज्जती हो जाएगी। मैडम जी शेर तो जंगल का राजा हो से, वो चाहे अंडा दे चाहे बच्चा, शेर की मर्जी है। मैडम जी हाँ एक बात बताओ। बोलो। लोग हिंदी इंग्लिश में बात करें से मैथ में क्यों नहीं करते? ज्यादा 3-5 ना कर, 9-2-11 हो जा, वरना 5-7 खींच के दूंगी, 6-36 नजर आएंगे और 32-32 बाहर आएंगे। बस मैडम जी हिंदी और इंग्लिश ही ठीक से, मैथ तो वाकई खौफनाक सब्जेक्ट है। अच्छा बच्चों, मैं नंगे पाँव हूँ, इसकी अंग्रेजी बनाओ। मैं बताऊँ मैडम जी। अच्छा बताओ। आई एम उगान।